नमस्ते, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सीमा हैदर इन दिनों एटीएस की वजह से काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान आईबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सीमा हैदर ने जिस तरीके से इंडिया में एंट्री की है, उसे लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें सीमा ने बाकायदा इसके लिए प्लानिंग की है कि वो भारतीय जो ग्रामीण परिवेश वाली महिलाएं होती हैं, जिस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करती हैं, उसी तरीके से उसने कपड़े पहने। इसके साथ ही उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके के कपड़े पहनाए और भारत में एंट्री करवाई। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैंडलर होते हैं, जिस तरीके से वो गैरकानूनी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए जो आदमी होते हैं, जिन्हें वो भारत में भेज कर गलत काम करवाते हैं, इसके अलावा नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी जो हैंडलर होते हैं, कुछ इसी तरीके से इंडिया में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए घुसने वाले घुसपैठियों के को ट्रेनिंग देकर यहाँ पर बाकायदा भेजते हैं। इसके साथ ही सीमा हैदर जिस तरीके से हिंदी में बात कर रही हैं और जिस तरीके से धारा प्रवाह उनकी भाषा है, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ खुलासे हुए हैं कि कुछ इसी तरीके से नेपाल में जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो उन्हें इंडिया में भेजने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं इसी तरीके से बात करने के लिए। साथ ही जो कपड़े पहनकर सीमा हैदर ने एंट्री की है भारत में, वो कपड़े वही महिलाएं पहनती हैं जब वो इंडिया में घरेलू सहायिका या फिर जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल महिलाएं इंडिया आती हैं और गलत चीज़ों में फंस जाती हैं। कुछ इसी तरीके से ये महिलाएं भी भारत में एंट्री करती हैं। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों के रडार पर अब वो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके की ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं और घुसपैठियों को इंडिया में भेजते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर सचिन के भारत में एंट्री दावों की तस्दीक फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की जांच में नहीं हो सकी है, जबकि सीमा और सचिन यही दिन यानी कि 13 मई को ही बता रहे हैं कि उन्होंने भारत में एंट्री की थी। सीमा हैदर मामले की जांच कर रही एजेंसियों के माने तो 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशन सिटीजन के मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दो जगहों पर सीमा और सचिन ने एंट्री करने का दावा किया है। यहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही सीमा हैदर जिस बस में सवार होकर आई थी, उसे भी सीसीटीवी की मदद से ढूंढा जा रहा है और उसकी जाँच की जा रही है। इस दौरान भारत नेपाल सीमा से जितनी भी बसें गुजरती हैं, यानी कि 13 मई को गुजरने वाली सारी बसों की पड़ताल की जा रही है, जिसका विवरण सचिन और सीमा ने पुलिस को दिया है। थर्ड नेशन सिटीजन यानी कि भारत नेपाल के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक का भारत नेपाल सीमा पर मौजूद होना और उसे पार करने की कोशिश करना, भारत नेपाल में मैत्री समझौता होने की वजह से दोनों ही देश एक दूसरे के इस बारे में मदद करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति अगर यहाँ पर मौजूद होता है तो उसकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके बाद ये दोनों देश की जांच एजेंसियां इस पर जांच पड़ताल शुरू करती हैं। इसके अलावा एटीएस की जानकारी में जो बात खुलकर सामने आई है, उसमें ये भी पता चला है कि सीमा हैदर के जो भाई हैं, उनका नाम है आसिफ, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में थे। सीमा का भाई इस वक्त कराची में पोस्टेड है। इसके अलावा सीमा के जो चाचा हैं, वो भी आर्मी में ही हैं और इस्लामाबाद में किसी बड़े पद पर तैनात हैं। लेकिन फिलहाल सीमा के जो भाई हैं आसिफ, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वो उनकी बात गुलाम हैदर से भी होती रहती है। सीमा हैदर ने जब गुलाम हैदर से उनको शादी करनी थी, तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। घर से भाग जाने के बाद उन्होंने गुलाम हैदर से शादी की थी। इसके बाद सीमा हैदर ने अपने माँ बाप पर ही लालची होने का लांछन लगाया। उन्होंने एक एफिडेविट भी सौंपा और जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप को लालची बताया। इस दस्तावेज में सीमा ने बताया कि मेरे माँ बाप लालची हैं और इसीलिए वो मेरी शादी किसी आवारा किस्म के लड़के से कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ और गुलाम हैदर से शादी करूँगी। इसके बाद अब सीमा हैदर इंडिया में आई हैं और सीमा हैदर को लेकर पहले जहां मीडिया भी उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी कि सीमा हैदर हो सकता है कि जासूस हो सकती हैं और देश के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकती हैं। इसके बाद ही अब एटीएस अलर्ट पर आई और सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर के जो ससुर हैं यानी कि सचिन के पिता, इनसे भी पूछताछ की गई है। अब सीमा हैदर की पूछताछ में आईबी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि सीमा जिस तरीके से भारत में एंट्री ली है, उस तरीके से घुसने के लिए पाक हैंडलर नेपाल में अपनी जो उनके एजेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा, ताकि वो इंडिया में घुसें और गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे सके और पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ कर रही हैं। इसमें सीमा हैदर ने यह भी बताया कि पबजी खेलने के दौरान उसने कई लड़कों को संपर्क किया था, कई लड़कों से उसकी बातचीत हुई थी जो कि दिल्ली एनसीआर के ही रहने वाले हैं, लेकिन इसमें बातचीत के दौरान सिर्फ सचिन ही था जो सीमा हैदर के जाल में फंसा।
और अब बकायदा सचिन और सीमा एक दूसरे के साथ रहते हैं और सीमा लगातार बोल रही हैं कि वो सचिन के साथ इंडिया में ही रहेंगी, मर जाएंगी, लेकिन वो अपने घर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी।